नौशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा और इत्तेहादियों का अजरबैजान पर पाबंदियां लगाने पर गौर। कैनेडियन सफीर ने अमन मुज़ाकरात मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। आर्मेनिया में तैनात कैनेडियन सफीर का कहना था कि बहस जारी है कि पाबंदियों का इस्तेमाल कब करना है। हेलोवीन पर जीटीए के शहरी शदीद सर्द मौसम का सामना कर सकते हैं। माहरीन मौसमियात का शहरियों को गर्म मलबूसात पहनने का मशवरा। हल्की बूंदाबांदी या मुंजमद बारिश की भी पेशगोई। अमरीका में पाकिस्तानी नजार डॉक्टर तलत जहां चाकू के वार से कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजूहत ताहाल मालूम ना हो सकी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada aur iske ittehadiyon ne guzishta mah Nagorno Karabakh ke alag hone wale ilake mein Azerbaijan ki fauji madakhlat par pabandi lagane par tabadla khayal kiya hai. Mazeed tafseelat is report mein. कनाडा और उसके इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता माह नगोर्नो काराबाख के अलग होने वाले इलाके में आज़रबाईजान की फौजी मदाखलत पर पाबंदी लगाने पर तबादला ख्याल किया है, जिसने 1,00,000 से ज्यादा आर्मीनियाई बाशिंदों को हमसाया मुल्क आर्मीनिया में मुंतकिल किया। एक सीनियर सफारतकार ने कॉमन्स की खारजा उमूर और बैन अल-अक़वामी तरक्याती कमेटी को इस बारे में ब्रीफिंग दी। NDP के खारजा उमूर की नकाद हीथर मैकफर्सन के सवालात के जवाब में आर्मेनिया में कनाडा के हाल ही में तैनात सफीर एंड्रयू टर्नर ने कहा, बिल्कुल बातचीत हुई है, इस बारे में बहस जारी है कि इस टूल को कब इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब होगा। आर्मेनिया के दारुल हुकूमत यरेवान से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए टर्नर ने यह भी कहा कि इस बात का खतरा है कि तंजीरी इकदामात आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुहिदे पर पहुँचने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी पाबंदियों का फैसला अमन के लिए जारी कोशिशों में खलल डालने का खतरा है। अगरचे हमने किसी को पाबंदियों का रास्ता इख्तियार करते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने फ्रांस की तरफ से ऐलानात देखे हैं, मिसाल के तौर पर फौजी मदद के इम्कान के बारे में, और इसकी वजह से आज़रबाईजान ने मनसूबा बंद बैन अल-अक़वामी मीटिंग्स और बातचीत से दस्तबरदारी इख्तियार की है, जो अमन को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते थे। टर्नर की गवाही कुछ दिन बाद सामने आई जब वज़ीरे ख़ारजा मेलानी जूली ने कनाडा के सिफारत खाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के लिए आर्मेनिया का दौरा किया। अपने सफर के दौरान पाबंदियों के इम्कान के बारे में सहाफ़ियों से पूछे जाने पर जूली ने कहा कि सब कुछ मेज़ पर है, जिसने आज़रबाईजान के ख़ारजा उमूर के महकमे को तनकीद का निशाना बनाया। इस हेलोवीन पर GTA के शहरी शदीद सर्द मौसम का सामना कर सकते हैं। माहरीन मौसमियात ने शहरियों को गर्म मलबूसात पहनने का मशवरा दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस हेलोवीन पर GTA के शहरी शदीद सर्द मौसम का सामना कर सकते हैं। माहरीन मौसमियात ने शहरियों को गर्म मलबूसात पहनने का मशवरा दिया है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो और GTA में मौसमी दर्जा हरारत से कम होने के साथ ये एक सर्द हफ्ता होने वाला है और मंगल की रात को कुछ हलचल भी हो सकती है, जब कैंडी के लिए घर घर जाने का वक्त होगा। सख्त पेशगोई का मतलब है कि वालदैन इस बात को यकीनी बनाना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के मलबूसात में कुछ इजाफी परतें शामिल करें। माहरीन मौसमियात के मुताबिक हेलोवीन की शाम की पेशन गोई में हवा के साथ दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द मंडलाता हुआ नजर आएगा, जिससे ये -5 की तरह महसूस होगा, जबकि इस दौरान हल्की बूंदाबांदी या मुंजमद बारिश का भी इम्कान है।
अमेरिका में पाकिस्तानी नजाद डॉक्टर तलत जहां को ह्यूस्टन में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम तहकीकात में अभी तक कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में पाकिस्तानी नजाद डॉक्टर तलत जहां को ह्यूस्टन में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम तहकीकात में अभी तक कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर तलत जहां को उनकी रिहायशी बिल्डिंग में बच्चों के सामने चाकू से वार करके कत्ल किया गया। अमरीकी पुलिस ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर तलत खान के कत्ल के इल्ज़ाम में मेल्स जोजफ फ्रेडरिक नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 24 साल हमला आवर माइल्स जोजफ फ्रेडरिक पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस वाकये के मुतादित ऐनी गवाहान मौजूद हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 24 साल मेल्स जोजफ फ्रेडरिक को फर्स्ट डिग्री कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि ये नफरत पर मबनी जुर्म है जिसकी तहकीकात जारी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी नजाद अमरीकी माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर तलत खान रवां साल जुलाई में टेक्सास मुंतकिल हुई थी। उनका ताल्लुक कराची से है। उन्होंने सिंध मेडिकल कॉलेज से 1998 में MBBS मुकम्मल किया और 2008 में अमरीका में प्रैक्टिस शुरू की। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।